ओके किशन, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो आकांक्षा, मुझे लगता है शायद आज ज्वाइन नहीं करेगी, बिकॉज अभी तक तो कर लेना चाहिए था। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके यस यस, आवाज आ रही है ना? क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही ओके ओके किशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो MCO 5 से रिलेटेड है। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, और जो ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन टॉपिक है, ठीक है। ये एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, और ये आपने है। यस ऑलरेडी लाइक अपने 11th 12th में और कॉलेज लाइफ में भी आपने ये थोड़ा बहुत जो है किया होगा, ठीक है। तो उसी के यस बारे में सर, हम बात करेंगे। हाँ सर, मैंने पढ़ा था सर उस समय। आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम आकांक्षा, आई गेस ज्वाइन कर लेगी वो। शी जस्ट सेड ओके सर, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर, वी आर वेटिंग। ओके तो हालांकि थोड़ा बातचीत करते रहते हैं। तो इसमें हम लोग देखो एंटिटी और कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट करने वाले हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये चार कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग स्टेज है अकाउंटिंग का वो किन किन चीजों के ऊपर बेस करके वो तैयार होता है। हम लोग जो भी अकाउंटिंग वगैरह करते हैं वो ऐसा नहीं कि अभी से स्टार्ट हुआ है, काफी टाइम पहले से वो चलता आ रहा है। तो ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, क्या कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिसके बेसिस पे जो है हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आकांक्षा आवाज आ रही है? हाँ आकांक्षा, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके यस ओके देन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में कि फोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग स्टेज में जब हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जब हम लोग जर्नल बना रहे होते हैं, अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग जर्नल करते थे अगर आपको याद होगा, तो उसमें यस जब हम लोग सर, रिकॉर्ड करते तो ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट का यूज करते थे, उसके बारे में हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। There are several fundamental चलो accounting concepts that guide accounting during the recording stage. Here are four important concepts. First one is entity concept. So entity concept में मैं अगर basic भाषा में बताने की बात करूं तो entity का मतलब होता है कि business जो है वो अपने आप में एक संस्था है, वो अपने आप में एक human being संस्था। है, वो अपने आप में एक अलग चीज है। भले ही business आपका है, लेकिन business का जो है हिसाब जो होता है वो आपके personal चीजों के साथ नहीं होता, उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट में वही है कि जो एंटिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स और ओनर्स, जो भी आप बोलना चाहें उनसे वो लोग अलग होगा और उसका अपना जो है लेखा जोखा होगा, उसका अपना एक हिसाब होगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये चीज है, ठीक है। नाउ द एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स और शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखो वही बात है, दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड सेपरेटली फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ और मेरा कोई बिजनेस है, तो मेरा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं जो चीजें अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं जो पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ या जो पैसे मैं पर्सनली कमा रहा हूँ, उसको मैं बिजनेस में शो नहीं कर सकता। और जो बिजनेस की इनकम है, एंटिटी कॉन्सेप्ट में मतलब क्या है कि बिजनेस चल रहा है एक बंदे का, तो जो बिजनेस है वो उसका सेपरेटली चल रहा है, उसमें उसका इनकम हो रहा है, उसमें उसका लॉस हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, उसको बहुत सारी चीजें उसको बिजनेस में झेलनी पड़ रही है। तो वो सारी चीजें आप पर्सनल ट्रांजेक्शन के साथ ऐड नहीं कर सकते। पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होता है ओनर का वो डिफरेंट होगा, और बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है वो डिफरेंट होगा। हम लोगों को इन दोनों को अलग डिफरेंट अलग जो है रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा। जब हम लोग टैक्स फाइल भी करते हैं तो जब दोनों को एक साथ दिखाया जाता है तो उसमें ITR हम लोग डिफरेंट फाइल करते हैं। ITR 1 में तो जनरल राइट हो सर, जाता है, ITR 2 3 जो है उसमें शेयर से रिलेटेड, इवन जिसका बिजनेस है उससे रिलेटेड भी चीजें जो है उसमें शो की जाती हैं। तो अलग अलग दिखाना बहुत जरूरी है। बाई अदरिंग बिल्कुल दिस कंसेप्ट अकाउंटेंट इंश्योर दैट द बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन, है ना। तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका काम होता है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग से तैयार करें, ना कि जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट बनेगा, जो लोगों जो ओनर्स हैं उनका जो एक स्टेटमेंट बनेगा उनसे अलग आपको तैयार करना है। आप दोनों को एक साथ मिला करके नहीं रख सकते। तो एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट का नाम से पता चल रहा है कि गोइंग कंसर्न जो भी आपका बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है ना। ये इसका कंसेप्ट में मेल में जो मूल बात है वो यही है कि जो आपका बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, विदाउट एनी जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, उनके होने के बावजूद आपका बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहता है।
क्योंकि जब आप बिजनेस को मतलब रजिस्टर करते हो तो कंपनीज एक्ट के तहत आप उसको रजिस्टर करते हो, और जब आप उसको बंद करोगे तो भी आपको कानून के तहत ही बंद करना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप राइट बिजनेस में क्या होता है कि दो पार्टनर सपोज अगर हैं, एक पार्टनर की अगर किसी कारण से डेथ हो जाती है, या फिर वो उसकी अगर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या कुछ भी अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके वजह से पार्टनरशिप बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन राइट बिजनेस में, कंपनीज में, किसी भी बिजनेस को आप ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, वो हमेशा जो है चलता रहता है। और ये कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग में लाया जाता है कि जो कंसेप्ट है, जो कॉन्सर्न है, वो हमेशा चलता रहेगा, जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, जब तक कि उसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आए। तो ये कंसेप्ट के तहत जो है अकाउंटिंग काम करता है। तो क्या है, नाउ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस इन द बिल्कुल फोरसीएबल फ्यूचर अनलेस देयर इज एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है। जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, हमारे फ्यूचर में भी चलता रहेगा, अनलेस कि वहां पे कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसके कारण से बिजनेस को बंद करना पड़े। बेसिक कंसेप्ट यही है कि राइट बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा कि इस कंपनी को यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिला, वहां से इन्वेस्टमेंट मिला, क्योंकि बिजनेस का कंसेप्ट ही यही है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अगर मुझे पहले से पता रहेगा कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है 4-5 सालों में या 10 सालों में, तो कोई मेरे में पैसे लगाएगा ही नहीं, कोई कोई भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो वो चीज हो जाती है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब यही है कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। दिस कंसेप्ट अलाउज अकाउंटेंट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अजम्पशंस दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड जनरेट रिवेन्यू फॉर फॉरसीबल फ्यूचर। इसी बात को बोला गया है फिर से, इट इन्फ्लुएंसेस द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। अब देखो, कोई भी बिजनेस अगर लंबा चल रहा है तो उसका एसेट में बढ़ोतरी होगा, उसकी लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी। एसेट लाइबिलिटीज दोनों को समान करना होता है, तो उसके एसेट्स में भी बढ़ोतरी होगी और उसकी लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी जब भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा तो। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अज्यूमिंग दैट द बिजनेस विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज इट्स एसेट्स इफेक्टिवली एंड सेटल इट्स ऑब्लिगेशंस, है ना। तो ये अज्यूम किया जाता है कि लॉन्ग फ्यूचर में, लॉन्गर रन में जब बिजनेसेस चल रही हैं, तो जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं उसको वो लोग अपने एसेट के थ्रू, या सारी चीजें तो एसेट ही होती हैं, फिक्स एसेट है, करेंट एसेट है, जो भी, उसके जरिए जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देंगे। सारी की सारी जो लाइबिलिटीज होती हैं, आप देखना एसेट साइड में भी सेम वैल्यू होता है उसका। तो जो भी लाइबिलिटीज है आपको उन एसेट्स के थ्रू ही उसको, ऑब्लिगेशंस को जो है मिटाना है एंड में, जब बिजनेस बंद होगा तब। ऐसे तो जब तक चल रहा है तब तक चल ही रहा है, जो भी ऑब्लिगेशंस आपकी हैं, क्रेडिटर के पास से आपने सामान उठाया या कुछ भी किया है, लोन लिया है आपने, वो सारी चीजें तो आप चुकाते ही रहते हो बैंक्स को। बट लॉन्ग रन में हाँ बात हाँ की जैसे जाती है जैसे तभी। हाँ बोलिए। जैसे जैसे अपना एसेट बढ़ता जाता है, वैसे उसी हिसाब से हमारा लाइबिलिटी भी रहता है। हम उसके हिसाब से जो उसको खत्म करते रहते हैं, हमारा एसेट उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। जी, एसेट को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर बहुत हम, जरूरी अब है। देखो मेरे पास तो लिमिटेड पैसे हैं, अब मैं लिमिटेड पैसे से अगर बिजनेस करने जाऊंगा तो मेरा हो गया, बिजनेस तो चलेगा नहीं, तो उस केस में मुझे लोन लेना नहीं, पड़ेगा। तो मैंने लोन लाइबिलिटी लेना ले ली, पड़ेगा। लोन मैंने राइट राइट लाइबिलिटी ले ली, अब जो मेरे पास पैसे आए उससे मैंने एसेट खरीदा और उससे मैंने बिजनेस को चलाया। तो बिजनेस ऐसे ही रन चलाया। करता है, दोनों चीजें होनी जरूरी है। तो मतलब एंड में जो है आपका ऑब्लिगेशन जो भी है आपका लाइबिलिटी का, उसको एसेट के थ्रू जो है उसको, ऑब्लिगेशंस को मिटाया जा सकता है। तो गोइंग कंसर्न का राइट कंसेप्ट में यही बात है कि बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, चलता रहता ठीक है। है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्रूअल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है हम लोग काफी 11th 12th में हम लोग करते थे कि हम लोग को जो जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कब करना है, जब पैसा एक्रू हो रहा है उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, या जब पैसा हम रिसीव कर ले रहे हैं तब रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग जो होती है वो दो बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो राइट गया कि पैसा आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है अभी तक पर पक्का है कि मिल जाएगा, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे कि मुझे मिलने वाला है, तो वो हो गया एक्रूअल यस सर कॉन्सेप्ट। और कैश कॉन्सेप्ट में होता है कि आपके पास कैश आया तो आपने बुक में एंट्री किया कि हाँ मुझे इतने रुपए जो है इससे मिले हैं, वो कैश कॉन्सेप्ट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है। अकाउंटिंग जो है राइट हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट में करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा देखना, हम लोग उधार में सामान भी लेते हैं बिजनेस में, और उधार में सामान बेचते भी हैं, वहां से फिर पैसा मिलता है, फिर हम लोग अपने क्रेडिटर को देते हैं। तो बिजनेस जो है वो उधार पे चलता है, क्रेडिट पे चलता है, कैश पे नहीं चलता है। तो इसीलिए यस एक्रूवल कंसेप्ट का होना जरूरी है। हम लोग जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो हम लोग एक्रूवल कंसेप्ट का यूज करेंगे रादर देन की कैश कंसेप्ट का, ठीक है। चलिए फिर इसको राइट पढ़ लेते हैं थोड़ा। द एक्रूवल कंसेप्ट रिक्वायर्स अकाउंटेंट्स टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। जब भी आप पैसे कमा लोगे, भले ही आपको पैसे मिले नहीं है,
पर आपने पैसे कमा लिए हैं, आपने दिन का काम किया, आपको पता है कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप पैसे अर्न करोगे या इनकर करोगे, जब आपको पता है कि अगले दिन आपको जो है पेमेंट करना है, करना तो श्योर है, लेकिन आपने अभी तक किया नहीं है, लेकिन उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्रूवल कॉन्सेप्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलेंगे एक्रूवल कॉन्सेप्ट, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द रिलेटेड कैश फ्लोज ऑकर। कैश फ्लो ये कब हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। जब भी ये कैश फ्लो होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में जैसे ही रिकॉर्ड पैसा एक्रू हो जाता है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। दिस यस मीन्स दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस रादर देन व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड, है ना। वही बात बोली गई है, इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन को हम लोग तब रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तब रिकॉर्ड करेंगे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जा रही है, तब नहीं जब हो जा मुझे रही है। कैश मिलेगा। जब कैश मिलेगा तो मिलेगा ही, बट रिकॉर्ड मुझे पहले ही कर लेना है क्योंकि मुझे जो है कैश यहाँ से मिलने वाला है, या आप पे करने वाले हो, दोनों केसेस में वही होता है। बाई फॉलोइंग द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यस, बाई फॉलोइंग द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन एज इट मैचेस रिवेन्यू विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट देम, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि इस कॉन्सेप्ट के वजह से हमें जो है ये पता चल पाता है कि आपने जो अर्न किया है उसके लिए आपने खर्च कितना किया है। और आपको पता है कि अकाउंटिंग साइकिल जो है 1 साल का होता है, कई बार ऐसा भी एक होता है साल कि इस साल का पैसा जो है मुझे अगले साल मिला किसी से, तो उसको अगर हम अगले यस साल, इस साल का पैसा था अगले साल मिला, तो हम उसको अगर कैश कंसेप्ट में यूज करेंगे उसका, तो मुझे अगले साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इस साल का हिसाब तो बिगड़ जाएगा। इसीलिए राइट जो रिकॉर्डिंग है वो तभी की जाती है जब आपका पैसा एक्रू हो जाता है, भले ही वो कभी भी मिले, ठीक है ना। तो ये जो है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करता है बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और ये मैच भी करता है रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस के साथ, जो कि जो एक्सपेंसेस हुई हैं उस रेवेन्यू को एक तरीके से जनरेट करने में, उसको कमाने में, ठीक है। एक्रूअल राइट सर कंसेप्ट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट में वही है कि एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटी, है ना। जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के साथ मैच करेगा, जो एसेट है वो लाइबिलिटी के साथ मैच करेगा, डुअल कंसेप्ट में काम करेगा, डेबिट क्रेडिट दोनों होगा, मैचिंग होना जरूरी है। मैचिंग कंसेप्ट में ये चीजों को मैच करना है। द मैचिंग कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है ना। मैचिंग कंसेप्ट तभी होगा जब अक्रूवल कंसेप्ट होगा, अगर कैश कंसेप्ट यूज राइट करेंगे तो मैचिंग कंसेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश कई बार ऐसा हुआ है कि इस साल का पैसा अगले साल मिला, इस महीने का पैसा अगले महीने मिला, तो रिकॉर्डिंग में जो है आपको दिक्कत होगी। मैचिंग कंसेप्ट में मैच आप तभी करा पाओगे जब आप चीजों को एक्रूअल कंसेप्ट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। इसलिए बोला गया है कि मैचिंग कंसेप्ट जो है वो एक्रूअल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है या एक साथ है। इट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रिवेन्यूज दे हेल्प एज द रिवेन्यूज दे हेल्प जनरेट। वही बात बोली गई, ठीक है ना, कि आपको राइट जो है सर अपने एक्सपेंसेस को उसी साल में दिखाना है जिस साल में आपने उस एक्सपेंसेस को करने के बाद उस एक्सपेंसेस से जो रिवेन्यू कमाए हैं, ठीक है ना, उसी साल में आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप रिवेन्यू उस साल का शो कर रहे हो जैसे तो एक्सपेंसेस भी आपको उसी साल में ही शो करना पड़ेगा। हाँ किशन, हाँ कहिए, जैसे कुछ सर कह रहे हो। जैसे मैंने सर मैं बोल रहा था जैसे मैं एक पेन खरीदा उस पर मैंने 18% जीएसटी दिया, ठीक है, और वो पेन मेरे को इस साल सेल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर इस साल सेल नहीं हुआ तो मैं इस साल नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट ईयर मैं 18% जीएसटी लेके कस्टमर को और उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्लोज करूंगा उसको, है बिल्कुल बिल्कुल, ना वो सर। अलग चीज हो गया, वो तो आपने एक खरीदा और एक बेचा, खरीदने का आपका हिसाब अलग है, जो बंदा जिससे आपने खरीदा वो अपना एक हिसाब रख रहा है, एक आप अपना हिसाब रख रहे हो, तो आपके पास जो स्टॉक में आइटम है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जब सेल करोगे तभी आप इसको रिकॉर्ड करोगे, सेल करने के बाद पैसे कब मिल रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। आपने सपोज किसी चीज को सेल कर दिया 2023 में, लेकिन पैसा आपको 24 में मिला है, मिलना तो चाहिए था 23 में, तो अगर आप मैचिंग कंसेप्ट में अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्रूअल कंसेप्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड भी इसी साल करना पड़ेगा कि आपको जो है पैसा मिल चुका है या मिलने वाला है, मतलब ऐसे दिखाना पड़ेगा कि पैसा मेरा एक्रू हो गया है पर मैंने अभी रिसीव नहीं किया है, बट एक्रू हो गया है, मिल गया है, ये आपको एक तरीके से शो करना पड़ता है, ठीक है ना। चाहे वो अगले साल ही क्यों ना मिले, वो एक होता है सिस्टम, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है उसके लिए तो आपने खर्च किया है, आपने 200 रुपए का सामान 300 रुपए में बेचा, ठीक है। जब आपने बेचा तो 300 रुपए में आपने बेचा, खरीदा था आपने 200 रुपए में, तो 200 रुपए का आपका एक्सपेंसेस था, 300 रुपए का आपका रेवेन्यू था और 100 रुपए का आपका प्रॉफिट था। तो ये जो 300 रुपए आपके प्रॉफिट पास आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं, तो आपने उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया इस साल में कि मेरा जो है इतना का सेल जो है मेरा हुआ है,
भले ही पैसा अभी नहीं मिला हो पर इतना का सेल हुआ है, ठीक है, फिर अगले साल पैसा मिल जाएगा। रिकॉर्ड तभी करना है जब आप वो चीज को होगा, उसी साल करना है, ठीक है। ओके हाँ, दिस इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो रिलेशनशिप है एक्सपेंसेस और रिवेन्यू का, वो एक गिवन पीरियड के लिए शो कर रहा है, मतलब किसी एक साल के लिए शो कर रहा है या 6 महीने के लिए शो कर रहा है, मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें जो भी चीजें होंगी उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे बाय हो या फिर सेल हो। पैसे भले ही आपने रियलाइज नहीं किए हो लेकिन आपको उसको रिकॉर्ड करना है। एनेबलिंग अ मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, और इससे हमें बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्यूरेटली हमें समझ में आती है ना। अगर हम बाद में समझ में रिकॉर्ड आता है। करेंगे तो आपका लॉस दिखेगा। आपने सपोज 200 रुपए का सामान 300 रुपए में बेचा लेकिन आपको 300 रुपए अभी तक मिले नहीं है, या मान लो 200 रुपए ही मिले हैं, तो जब लास्ट में जब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको दिखेगा कि 200 रुपए आपका खर्च हुआ है, 200 रुपए आपको मिले हैं, 100 रुपए तो आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं क्योंकि वो मिला ही नहीं आपको अभी तक, ठीक है ना। तो आप सिर्फ 200 नहीं दिखाओगे, आप 300 दिखाओगे भले ही आपको कितने ही क्यों ना मिले हो। तो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैचिंग कंसेप्ट और एक्रुअल कंसेप्ट में ही हो पाता है। कैश जब मिलेगा तब अगर उसका वेट करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हमको ठीक तरीके से समझ में नहीं आए, ऐसा लगेगा जैसे लॉस हो गया, ठीक है ना किशन, लॉस समझ में आ हो रहा है ना। फिर गया। से बताता हूँ, जैसे सपोज 200 रुपए आपने सामान बेचा इस साल का और आपने कोई और सामान नहीं बेचा, सिर्फ 200 रुपए का ही सामान बेचा है और आपको पैसे लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप बताओगे ना कि आपका खर्च हुआ है, 200 रुपए आपका खर्च हुआ है, पैसा तो मिला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस में उस साल में जो है आपको लॉस हो गया है, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे तो यही ओवरव्यू जाएगा। लेकिन एक्चुअल में बात यह है क्या, भले ही आपको पैसा नहीं मिला लेकिन मिलने वाला तो है, तो मिलने आप वाला उसको समझे। रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चलो इस साल मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपए खर्च का, 300 रुपए का रिवेन्यू और 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आपको तभी समझ में आती है जब आप मैचिंग कंसेप्ट और एक्चुअल कंसेप्ट का यूज करते हो। नाउ ओके बाई सर। मैचिंग एक्सपेंसेस, आकांक्षा कुछ कह रही है? सर ओके ओके सुन ओके रहे थे वो। बाई मैचिंग एक्सपेंसिस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज, अकाउंटेंट्स कैन असेस द ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। अब इसी मैचिंग कंसेप्ट के कारण, इसी मैचिंग एक्सपेंसेस के कारण, एक्चुअली यहाँ कंसेप्ट होगा कोई नहीं, इसी मैचिंग कंसेप्ट के कारण जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज है, एक्सपेंसेस के कारण जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज है उसको अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हैं और उसका सही तरीके से उसको एसेस कर पाते हैं, ताकि जो बिजनेस का जो ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट है कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉस ऐसा तो नहीं कि आपको लॉस हुआ है, कितने पैसे आपको किसको देने हैं, कितने पैसे आपको किससे मिलने हैं, ये चीजें तभी हो पाएंगी जब आप मैचिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे, जब आप इन सब चीजों को ठीक तरीके से मतलब अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, मैचिंग एंड एक्रुअल जो भी, ठीक है। ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक पीरियड की बात बोली जा रही है, जो भी आपका बिजनेस होगा वो किसी पीरियड के लिए ही होगा और आपको रिकॉर्डिंग उसी पीरियड में ही करनी है, ठीक है ना। तो करनी दीज वेर द फोर यू नो पॉइंट्स और कंसेप्ट बोलेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, अगर हो सकता है 5 या 6 कंसेप्ट भी बोले तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप पुराना बुक अगर देखिएगा तो मिल जाएगा आपको वहां पे, या फिर मुझे अगर कोई क्वेश्चन वैसा बनाने का मौका मिला कि मैं 2-3 कंसेप्ट और यूज करूं और इसमें कन्वेंशनैलिटी भी होती है तो वो अगर ऐड कर पाऊं तो वो देखा जाएगा बाद में, खैर। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल 4 ही आपसे पूछा गया था और हम लोगों ने चारों डिस्कस यहाँ पे कर ली है, ठीक है। इसको कंक्लूड करते हैं। नाउ दीज अकाउंटिंग कंसेप्ट सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटेंट्स व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है अकाउंटेंट्स के लिए कि जब अकाउंटेंट्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इन चारों कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग में रख करके रिकॉर्ड करेंगे, कि हमें रिकॉर्ड तब करना है जब पैसा एक्रू हो रहा है, हमें मैचिंग कंसेप्ट का भी यूज करना है ना। ये चीजें जो है अकाउंटेंट को करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है, रिलायबिलिटी आपको जो है एक अच्छा तैयार करना होता है, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस एंड टाइम पीरियड्स, ये आप तभी कर पाओगे, कंपेयर आप तभी कर पाओगे और जो बिजनेसेस हैं उसके डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसमें कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हम इन इन चीजों को फॉलो करेंगे, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग फॉलो करेंगे, जी ठीक है। तो दिस सर, यस सो दिस वाज द टॉपिक, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू हैव? नो सर, ओके एक्सक्यूज मी सर,
हाँ कहिए कहिए। सर कॉरिस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज का मतलब क्या हो गया सर, कुछ एग्जाम्पल से बता दीजिए। कौन सा कौन सा? सर कॉरिस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज। कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज जी यहाँ सर। पे एक टॉपिक है ये ना, यहाँ पे देखिए यस सर, यस सर। एक्सपेंसेस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि जो रिवेन्यू आपने जनरेट किया है उस रिवेन्यू के बाद बदले आपने खर्च भी किया है, ठीक है, ओके तो उसी को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक तरीके से रिलेटेड, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि 200 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा और आपने जी उसी सर। सामान को 30, आपने सपोज 200 रुपए में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसी ओके सामान को सर। आपने 300 रुपए में बेचा, ठीक है, जी सेम सर। सामान को। तो जब आप सेम सामान को बेच रही हैं तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसी सामान के लिए आपने एक्सपेंसेस भी किया था 200 रुपया। जी कॉरेस्पॉन्डिंग सर। मतलब सेम सामान, ठीक है ना, सेम ओके सामान यस के लिए जो आपने खर्च किया उसी सामान को जब आपने बेचा तो उससे आपने पैसे कमाए। सर, तो मुझे प्रॉफिट कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ मतलब है ना। सेम। जी, ओके कहिए। सर, कहने का मतलब मैंने अगर किसी भी कॉमोडिटीज को परचेज किया है सर, तो जो एक्सपेंस उसमें लगा है अगर उसको सेल करते तो उससे हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है सर, तो यस वही उस इसका मतलब, इस लाइन का ये मतलब है ना, एक्सपेंसेस विद द कॉरिस्पॉन्डिंग रिवेन्यूज, है ना। हाँ मतलब सेम ओके प्रोडक्ट होना सर। चाहिए, मतलब मेरा यस रिवेन्यू सर, अगर सेम किसी प्रोडक्ट। ओके और चीज किसी और कमोडिटी से अगर मेरा रिवेन्यू आ रहा है तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते, उसको रिवेन्यू बोलना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग यस सर, तभी कहने होगा का जब मतलब सेम सर, प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को मतलब कि सेम प्रोडक्ट होना चाहिए ना, जिस परचेज जिस प्रोडक्ट को परचेज करना उसी को सेल करके रिवेन्यू जनरेट करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ओके सर। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, ओके। कल यस सुबह सात का ओके ही टाइम सर। है ना? यस यस आई एम सर, फ्री सुबह सर। यस सर, मॉर्निंग में बताए थे आप 7 बजे। हाँ, मॉर्निंग में हम लोग सुबह 7 बजे फिर ज्वाइन करते हैं। 7 बजे या 8 बजे था मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। हाँ मॉर्निंग 7 है एक्सक्यूज ना? मी सर, एक क्वेश्चन था सर, जैसे अभी जो हम लोग इवनिंग में इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं सर, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, जितना भी सब्जेक्ट्स है, मतलब जितना भी आप टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अभी तक हम लोगों ने जो किया है इसमें यस से सर। एक टॉपिक हम लोगों ने MCO 23 से किया था। MCO 23 आपके सेकंड सेमेस्टर में है। ओके सर, MCO 23 है ना। हाँ वो जो मैंने वेबसाइट का लिंक भेजा था मैं फिर से भेज दूंगा, वहां पे मैंने सारा मेंशन करके रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर है, ठीक है ना, थर्ड में कौन कौन सा पेपर है। मैं वापस से नहीं तो सेंड कर दूंगा, वहां पे पूरा का पूरा कोर्स का ओवरव्यू आपको दिख जाएगा। ओके यस सर। ठीक है। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, एक और क्वेश्चन था सर, जैसे आप लोग आप जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे, अगर वो लोग मतलब अगर वो पढ़ लेते हैं तो और एक्स्ट्रा से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मैं करा रहा हूँ ये कीजिए। साथ ही साथ जो मैंने वेबसाइट में क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, अगर आपके पास टाइम रहे, जो कि रहेगा अभी तो काफी टाइम है एग्जाम में, तो आप वहां से स्टडी कर यस सकती हैं सर। थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो मैं करा रहा हूँ ओके प्लस जो वहाँ वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, श्योर है। सर, और असाइनमेंट डेट सबमिशन जो है वो 30 सितंबर तक है ना लास्ट। हाँ 30th of September एज ऑफ नाउ है, बट जैसे ही डेट आता है नजदीक इग्नू जो है डेट्स को एक्सटेंड कर देती है, कम से कम 15 दिन 30 दिन तो कम से कम होना ही है, 1 महीने तो एक्सटेंड होंगे, ठीक है, बट ओके सर। उस दैट डेट को मीन्स ना ही वी कैन सा सबमिट, तीस दैट मीन्स सर वी तीस कैन सितंबर सबमिट को ही टिल फाइनल। अक्टूबर। हाँ कहिए कहिए किशन। मैं बोल रहा था कि सर मैं इसको अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक मतलब सबमिट कर सकता हूँ क्या, मैं अगर डेट चलो बढ़ता है तो? हाँ, कोशिश कीजिए कि सितंबर तक हो जाए, पर अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और एक और चीज है कि जो चीज जो असाइनमेंट्स आप अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट नहीं कर सकते, सपोज 1-2 दिन का डिले हो गया या 1 हफ्ते का भी डिले हो गया, आप उस चीज को डायरेक्टली अपने रीजनल सेंटर में जाकर के विजिट करके वहां भी सबमिट कर सकते हैं। पर आप लोगों का रीजनल सेंटर आपके वहां से कितना दूर है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट इस चीज के लफड़े में नहीं पड़ना ही अच्छा है। आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने सेंड कर ही दिया है आप दोनों को, फर्स्ट सेमेस्टर फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, सेकंड सेमेस्टर मैं जल्दी भेज दूंगा उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। 30 सितंबर को ही डेडलाइन मान करके आप अपना काम कीजिए। हाँ यस यस जी सर सर। जी सर। ठीक है, सर ओके वैसे देन। होता है ना कि मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना बर्डन, की एक साथ इतने सारी चीजों को करना, अभी से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना, अभी से करते रहना है, अभी से करते रहिएगा तो एक तरीके से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अभी करने हैं,
तो आपको काफी हद तक ओके आइडिया भी सर, हो जाता है। सर जो हम लोग असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस करेंगे सर, तो वो सारा ही क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में? नहीं नहीं ऐसा नहीं बहुत नहीं कम वो अलग होता है, लेकिन आ अलग सकता है, कुछ क्वेश्चंस तो आ ही सकता है। ओके सर, मतलब उसमें से भी तो मतलब पढ़ना तो जरूरी, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तभी तो असाइनमेंट्स के लिए दिया गया है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी कभी असाइनमेंट से भी बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, वहां से भी आते हैं, ओके सर, ओके तो वो भी साथ में आपका होता जाएगा। जब आप उसको लिखती जाएंगी तो आपका पढ़ना भी एक तरीके से साथ में होता जाएगा। इट्स अ गुड थिंग। ओके सर, ओके देन, फिर कल मिलते हैं। ओके ओके सर, गाइस, बाय देन, गुड नाइट, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू बाय सर, किशन। हाँ बाय सर, थैंक यू।